तुमको काम लगा नहीं है, गर्मी लग रही साजो सामान है वो कृष्णा गोस्वामी। कृष्णा, आप लठामार होली जो परसों बरसाना में है आपके यहाँ, तो आप बराबर खेलती हैं? हाँ, मेरे को 14 साल हो गए खेलते खेलते, अब मेरी 15वीं होली है। 15वीं होली है, तो क्या तैयारी खास आप इस होली को लेकर कर रही हैं? खास ये परंपरागत तैयारी है इसकी, तो जो हमारी सास हमें बताती हैं, जैसे खाने में पौष्टिक आहार
और क्या ले रही हैं आहार में, क्या खास होता है आहार में? विशेष? दूध, बादाम, काजू, मेवा, मतलब सूखी मेवा मेवा जी। वो। और उसके अलावा और क्या तैयारी है? उसके अलावा ये देखो, ये लठिया है हमारे पास, इसमें हम तेल पिराते हैं, देखो तेल लगा के कैसी हो गई है। जी। और इसके अलावा क्या तैयारी है आपके? और इसमें हम लोग लहंगा फरिया पहन के पूरा 16 श्रृंगार करके, और जी, जब हम लोग होली खेलते होली हैं खेलते तो हैं उसके लिए सब लहंगा खरीदा है नया, जी। पूरा जो गले के और ये सब श्रृंगार के सब श्रृंगार सामान, मेहंदी जी, वेहंदी अरे लगवाएंगे, फूल। ये कहा जाए कि 16 श्रृंगार में है पूरा होली सोलह खेलती हैं श्रृंगार गोपियां। पूरा 16 श्रृंगार अच्छा, जब बरसाना में नंदगांव के होरियारे आते हैं, होली खेलते हैं, तो इसमें जीत किसकी होती है? जीत तो राधा रानी की होती है, जाहिर सी बात है, जी, बरसाना ससुराल है नंदगांव नंद लाला को, तो तो या तो राधा राधा रानी की रानी जीतेगी उनकी सखियों की जीत होती है। और क्या। तो ये माना जाए कि बरसाना की गोपियां होली खेलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं लेके अपनी लड़िया। क्या नाम है आपका? लोकेश गोस्वामी नाम है, और हम श्री नंद बाबा मंदिर नंदगांव के सेवायत अधिकारी गोस्वामी है। लोकेश, क्या तैयारी चल रही है बरसाना की लठामार होली को लेकर नंदगांव में? बरसाना लठामार होली की जो तैयारी नंदगांव में गोस्वामी जन कर रहे हैं वो लगभग पूर्णता की ओर है। कल जो है श्री बृसवान मंदिर लाड़ीलाल बरसाना मंदिर से जो है निमंत्रण श्री अपने लाल जी के लिए नंदगांव में आ जाएगा, और उसके बाद होली एकदम पूर्णता की ओर परसों हम लोग प्रस्थान कर देंगे बरसाना के लिए। उसी की ये तैयारी जो आप देख रहे हैं, ये ढाल है, ये वस्त्र है परंपरागत, हमारी पगड़ी है, दुपट्टा है, ये बगलबंदी है, ये धोती है, ये पटका है, ये ढाल है, ये लाठी जो नीचे आप देख रहे हैं सब गुलाल है, छड़ी है, ये सब हम लोग इत्र है, फुलेल है, ये सब एकदम पूर्णता के लिए हमने तैयार कर दिया है, और कल से ही इसका प्रयोग जो है शुरू कर दिया जाएगा मंदिर में। और परसों लठामार होली बरसाना में है। परसों जो है यहाँ से झंडी जो हमारे ठाकुर श्री कन्हैया लाल का स्वरूप चिन्ह होती है उसको लेकर हम लोग यहाँ सवेरे मंदिर में समाज करके नंदीश्वर आगे के बाबा को लेके साथ में शिवशंकर भगवान को बरसाना के लिए प्रस्थान करेंगे, और वहाँ पर पीली पोखर पे प्रथम पड़ाव जो है डाला जाएगा नंदगांव के समस्त गोस्वामियों द्वारा। इस बार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आ रहे हैं नंदगांव के होरियारों की अगवानी करेंगे, स्वागत जी जी करेंगे। इस बार ऐसी प्रशासन द्वारा खबरें दी जा रही है, बार बार मीटिंग हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी होली दर्शन के लिए और खेलने के लिए आ रहे हैं, तो हम सब गोस्वामी जनों में विशेष उत्साह है उनको लेके, साथ में कोई मुख्यमंत्री हो तो होली देखेंगे या खेलेंगे तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, और ये ऐसा सभी प्रांतों में होना चाहिए कि। तो ये माना जाए नंदगांव के होरियारे पूरी तरह से लठामार होली के लिए जी तैयार हैं। बिल्कुल लठामार होली, रंगीली होली के लिए, फाग के लिए बिल्कुल 100% नंदगांव के गोस्वामी जन अपने ठाकुर जी को लेकर पूर्णतः तैयार हैं।